कितना टाइम लगाती है ये मेकअप करने में? ये लो लंच। मैं रखूँ ना एक मिनट? अरे क्या हुआ, थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास। अरे मैं लेट हो जाऊंगा उसके लिए। अरे इसमें लेट होने वाली क्या? रुको तो, रुको। अरे थोड़ा टाइम मुझे भी तो दिया करो ना यार, ऐसे थोड़ी होता है। सारी तो आपको रात देता हूँ, वो कम है क्या? आज मत जाओ ना ऑफिस। नहीं, बहुत ही अर्जेंट काम है, जाना है आज जरूरी ऑफिस, समझ गए तुम? देखो आज मत जाओ ना मेरे लिए प्लीज, सुबह सुबह जो है ना ये सब मत किया करो, ठीक है? तुम है ना हमेशा ऐसे ही करते हो, मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। क्या दिमाग खराब हो गया है? कुछ नहीं होता तुमसे, रात में भी दिमाग खराब करके रख रखा है। तुम्हारे पास तो बस एक ही बस चीज है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या नहीं होता है मुझसे? काम धंधा कुछ ना करूं क्या? ऑफिस ना जाऊं? बस तुम ऑफिस ही जाओ, पता नहीं शादी भी क्यों किया समझ में नहीं आता। ऑफिस जाते हैं तो आप इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनती हो, समझ गई तुम? अब चले कि ऐसे मुंह लटका के बैठोगी? मेरा मुंह लटका ही रहता है, क्या करूं? जाइए। फिर गुस्सा, रात में भी गुस्सा, दिन में भी गुस्सा, तो और क्या करूं? गुस्सा नहीं हूं तो दो प्यार की बातें नहीं होती तुमसे। प्यार से आदमी खाना नहीं खा लेता है, प्यार अपनी जगह पे, काम अपनी जगह पे। ठीक है हम ऑफिस चल रहे हैं बाबू। ठीक है बाबू, ठीक है, पर आई मिस यू, हम वहाँ पर आपको बहुत मिस करते हैं। क्या मिस करते हैं? मिस करते तो आज काम पे नहीं जाते। इतना भी नहीं मिस करते हैं कि हम काम पे ना जाएं, समझ गए तुम? ठीक है, बाय बाय। जब से इससे शादी हुई है मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। पता नहीं कैसे घर में तो मेरी शादी करवा दी, और अब तो मेरी जिंदगी में सिर्फ कुछ बचा नहीं है, सिर्फ इस घर का काम करती रहूं पूरे दिन, और ऊपर से इन बाप बेटी की सेवा करती रहूं। मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। चलो किचन में चल के कुछ काम ही कर लेती हूँ मैं। हेलो राम किशन जी, राम राम, कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, और बताइए, गांव में सरपंची इलेक्शन कौन लड़ रहे हैं आपकी बार? अच्छा अच्छा, आप ही का बेटा? अरे वाह 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 वाह, अब तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो गांव में हमारी धाक होगी अच्छी खासी। हाँ ठीक है ठीक है, और सुनाइए सब बढ़िया, खेत वेत सब ठीक हैं? अच्छा अच्छा, फसल खराब हो गई कैसे? ओहो चलो कोई बात नहीं, ठीक है जरा हमारा किसी का फोन आ रहा है, हम बात करते हैं आपसे बाद में। ओके राम राम। बहू जरा पानी पिलाना एक गिलास। लाए ससुर जी। काम को पता नहीं क्या हो गया है, जहां पर भी पैसे लगाते हैं डूब जाता है, इस बार भी 1,00,000 रुपया मेरा डूब गया है। कोई नहीं, इसकी भरपाई हो जाएगी अगर शर्मा जी का प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो, उस काम में कुछ फायदा है, देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है हमसे मालूम नहीं। हाँ ठीक है ले लीजिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, बैठिए बैठिए, बताओ क्या बात करनी है। सुरजी दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं। बोलो, इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं, बताओ। देखिए आपका लड़का जो है ना, हाँ, एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है? अरे वो तो बड़ा है, एक्टिव में बड़ा होना लड़का है, वो तो बचपन से ही इतना होनहार है कि उसने पढ़ाई में भी कभी पीछे नहीं हटा। अरे वैसे नहीं, फिर आपको पता है ना हमारी शादी को कितने साल हो गए? हाँ मुझे मालूम है, 3 साल तुम्हारी शादी को हो गए हैं, और अभी तक आपने कोई बच्चा देखा? ये तो है।
क्यों, आपका मन नहीं करता कि आपका एक पोता हो, आप उसे खिलाओ? हाँ अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है, किसका मन नहीं करेगा? और उसकी किलकारियाँ इस घर में गूंजे? बिल्कुल बिल्कुल, ये घर में तो रौनक आ जाएगी। पर सब कैसे होगा भाई? ये ऊपर वाले की मर्जी है, जब ऊपर वाले का हुक्म होगा तो सब काम होंगे। इसमें हमारा क्या कसूर है और उसमें बेटे का क्या कसूर है और आपका क्या कसूर है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है। देखिए, हमारा काम केवल खेत में पानी देने का है, बीज लगाने का है, फसल अच्छी हो ना हो ये तो ऊपर वाले की सब बात है। अरे ससुर जी, मैं क्या बातें कर लूँ, आप खेत फसल ये सब आप लेके बैठ गए हैं। आप मुझे कुछ सलूशन बताइए ना कि मैं क्या करूँ। हाँ बताओ बताओ, कोई दिक्कत है, कोई डॉक्टर क्या काम है? देखिए मैंने चेकअप करवाया है। अच्छा। दिक्कत मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, आपके बेटे के अंदर है। ये तुम क्या बात कर रही हो मेरे बेटे के बारे में? देखिए जो सच है ना वही बोल रही हूँ मैं। सच है मतलब? मतलब यही कि आपका बेटा सिर्फ सुबह ऑफिस जाता है, घर आता है और चुपचाप से सो जाता है। हाँ तो इसमें क्या बुरा है? मतलब बीवी को टाइम नहीं देना होता है क्या? बेटे बीवी को टाइम दे रहा है, वो घर में आ तो रहा है, बाहर तो नहीं जाता ना। देखिए जी, अगर आपने अपने बेटे को नहीं समझाया ना तो मैं उसको तलाक दे दूंगी, अब आप सोच लीजिए। अरे ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो और मैं क्या बात करूं? हाँ तो मुझे बताइए समस्या क्या है। देखिए आप सब समझ चुके हैं, अब आप सोचिए आपको क्या करना है। देखिए ससुर जी, आप ही कोई ना कोई सलूशन निकालिए वरना ये घर टूट जाएगा। हमें बताओ मुझे क्या करना है, मैं करता हूँ इस बारे में बात। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं हमारा घर भी ना टूटे। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन बाप नहीं चाहेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ क्या करना है, कहाँ जाना है? अरे जाना कुछ नहीं है ससुर जी, दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका बेटा मुझे जो सुख नहीं दे पा रहा तो आप दे दीजिए। मगर ये तो गलत है। देखिए ससुर जी, कुछ गलत सही नहीं होता, ठीक है? और वैसे भी अभी इस घर में आपके मेरे सिवाय कोई नहीं है, और वैसे भी अगर आपका होगा तो फिर आपको पता ही है आपका ही बच्चा है, वो इस घर का ही है, सोच लीजिए। देखिए ससुर जी, आपके पास है ना फिलहाल कोई और रास्ता नहीं है, घर में बाहर चली गई तो आपने सोचा इस घर की कितनी बदनामी होगी, और वैसे भी एक काम करिए आप सोच लीजिए, मैं अपने कमरे में चलती हूँ, ठीक है? और वैसे एक बात बताइए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ज़रा सोचिए, मैं बाहर जाऊँगी लोग क्या कहेंगे, सोचा है कभी आपने? तो ठीक है मैं अपने रूम में जाती हूँ, आप एक बार अच्छे से सोचिए और फिर आइएगा, ठीक है? बात तो ठीक है, अगर बहू बाहर जाती है तो इस परिवार की बदनामी होगी। मुझे लगता है मुझे ज्योति की बात मान लेनी चाहिए, इससे इन दोनों का घर भी नहीं टूटेगा और ये हमारा वंश भी आगे बढ़ जाएगा। हमारी बात बाहर नहीं जाएगी और घर की बात घर में ही रह जाएगी, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है ससुर जी जरूर आएंगे, और वैसे भी कोई ससुर नहीं चाहता कि उसकी बहू बाहर मुंह मारे, इससे मेरा भी काम हो जाएगा और मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। अब तो इंतजार है ससुर जी आप ही का, कब आएंगे? अरे आप आ गए। हाँ। बैठिए ना, आप ही का इंतजार था। मैं आ गया। अरे इतने दूर क्यों बैठे हैं, पास आइए ना। अरे मैं ठीक हूँ। अरे ससुर जी, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है, अरे आप तो घबरा गए। देखो मुझे डर लग रहा है कहीं कि ये बदनामी ना हो जाए। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, यहाँ सिर्फ आप और हम दोनों ही तो हैं। देखो पता चल गया तो सच बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी गांव में। अरे बाबा ससुर जी, इतनी टेंशन मत लीजिए ना।
अब वैसे भी इस घर में आप और मैं ही तो है, कोई तीसरा थोड़ी जो ये सब देख रहा है, जो ये सब जानता है। और वैसे आप बड़े समझदार हो, मैंने बस आपको बोला और आप मेरे कमरे में चले गए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो ससुर जी फिर चले? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे ससुर जी आप इतना नर्वस मत होइए ना, और वैसे भी एक बार ऐसा होने के बाद तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। आई ज्योति। अरे हाँ बाबूजी, तुम यहाँ पे बेडरूम में मेरे? अरे वो मैं कुछ काम आया था, बहू को पता नहीं। ज्योति क्या है? वो कुछ नहीं, वो ससुर जी थोड़ा थक गए थे तो मैंने बोला यहीं आराम कर लीजिए। यानी तो बात अब यहाँ तक आ गई ना। अब बाबूजी तुम अपनी बहू के बेडरूम में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो तो मैं आपसे तो मैं ना थोड़ी देर में बात करूँगा, पहले मैं इससे ही निपट लेता। मैं आपको टाइम नहीं देता, इसका मतलब तुम बाबूजी की अपने पास ही तुम बिठा लोगे? जीवन बेटे मेरी बात सुनो। बाबूजी आप अपने रूम में चलो, मैं आपसे आके बात करता हूँ, ठीक है? रुको, सुन, एक मेरी मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने रूम में जाके बैठो। तुम्हें क्या करती? हाँ मजबूर हो गई मैं। अरे तो रिश्तों का भी तो कुछ होता है। रिश्तों का क्या होता है? हाँ क्या, बाहर कहीं जाके वो मारती तो वो अच्छा लगता तुम्हें? तुम मार लेती बाहर जाके, ठीक है, लेकिन वो मेरे बाबूजी हैं, समझ गई तुम? कितना तुम गिर गई। तो और क्या करूँ, शादी के 3 साल हो गए, अभी तक एक बच्चा दे पाए तुम मुझे? बच्चा के लिए तुम हर चीज तुम कर सकती हो, ठीक है? आज मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी बीवी हो, ठीक है? तो और क्या करूं? आज तुमने ना हद ही कर दी है, ठीक है? क्या हद कर दिया मैंने, और क्या करती, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी ना, मुझसे पूछो कि मेरे बाबूजी हैं वो, और तुमको शर्म नहीं आई? लेकिन इस चीज की ना सजा मैं आपको दूंगा, समझ गई तुम? क्या सजा दोगे? हाँ एक बच्चा तो दे नहीं पाते तुम। तुमको डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे मुंह पे मारूंगा, ठीक है, आज ही शाम तक, समझ गए? प्लीज ऐसा मत करो, तलाक मत दो मुझे। मैं अभी ना तुम्हारे फैमिली से कॉन्टेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, और उनसे बोल के शाम तक आपके चेहरे पे डिवोर्स के पेपर मार दूंगा, ठीक है? समझ गए? ऐसा मत करो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुम्हारे साथ तो अब एक पल मुझे रहना ही नहीं, समझ गए? मुझे आपको तलाक देना है तो देना है, समझ गए तुम? देखिए ऐसा मत करिए, छोड़ो, मैं कैसे रहूंगी? तुम इसी वक्त इसी क्षण मेरे घर से निकलो। बदतमीज कहीं की, आज के बाद दिख मत दियो। बाबूजी जी बोल, ऐसे चेहरा लटका लेने से ना गलतियां नहीं छूटती। जीवन पता है आपने क्या किया है? मैं जानता हूँ जीवन, कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा, मगर इसमें मेरी गलती नहीं। मुझे बहू ने उकसाया था और उसने मुझे तुम्हारी कसम दी, और तुम जानते हो मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ जीवन। अच्छा जी, जब से तुम्हारी माँ का ध्यान तो है, तुम्हारे सिवाय मेरा है कौन? सच में? सच। अच्छा, उसी ने मुझे उकसाया था, उसने मुझे अपना चरित्र बोली थी कि मैं बाहर में जाऊंगी, इसलिए मैं घबरा गया, कहीं अगर वो बाहर गई तो हमारे घर की बदनामी होगी, हमारे परिवार की बदनामी होगी। अच्छा तो ये बात थी। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मैं आपको कितना गलत समझता था, ठीक है? ओ जीवन, लेकिन उसको मैंने इस चीज की सजा दे दी, उसको मैंने घर से निकाल दिया है। अच्छा ठीक है, क्या ये फैसला तुम्हारा सही है? मेरा सही है या बुरा है, मेरा फैसला है। मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ जीवन, जैसा तुम चाहो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनुज सिंह। हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका राज। मैं मोनू कुमार। फ्रेंड्स हम इस स्टोरी से आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि देखिए ऐसी समस्या होती रहती है, कई बार बच्चे नहीं हो पाते, तो उसके लिए आजकल बहुत सारे रास्ते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप लोग कोई ऐसा गलत कदम उठाए और अपने ही घर में आग लगाए। सो ऐसी दुर्घटनाओं से आप लोग बच के रहें, सावधान रहें, और देखिए ऐसी दुर्घटना से एक घर उजड़ गया, बहुत कुछ हुआ, तो आप लोग भी ऐसी चीज़ों से बच के रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। ये घर है ना कितना गंदा लग रहा है, साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं।
मैंने बोला था एक काम वाली रख लो, ये कोई बात ही नहीं सुनता है। सब कुछ मुझे खुदी करना पड़ता है और अकेले अकेले मैं क्या क्या करूँगी, मैं तो परेशान ही हूँ। दिमाग खराब हो जाता है साफ कर करके। ये देखो इसकी कॉपी भी पड़ी है। थक गई मैं, थोड़ा आराम भी कर लेती हूँ, नींद सी ले आती मुझे। पैर में भी इतना दर्द सा हो रहा है। कौन आ गया? लोग आराम भी करने नहीं देते। ओ, आप है? हाँ जी, कैसे हैं? आई चले। बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे किराया चाहिए। पिछले 2 महीने से आप लोगों ने किराया नहीं दिया है। देखिए किराया तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि बिकॉज मेरे पति की सैलरी अभी नहीं मिली है। मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पति की सैलरी हो, मिले या ना मिले, मुझे अपने किराए से मतलब है। अरे समझिए ना, मैं कैसे किराया दूंगी? मैं यहाँ समझने के लिए नहीं आया हूँ मैडम। मुझे या तो मेरा किराया चाहिए या ये कमरा खाली कीजिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? बस कुछ महीनों की और मोहलत दे दीजिए मुझे। मैं पहले ही 2 महीने विचार कर चुका हूँ, इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। मुझे भी पैसे की जरूरत होती है। ये नहीं है कि मैं, मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। मैंने ये कमरा इसीलिए किराए पे चढ़ाया है ताकि मेरी भी कोई इनकम हो। और तुम लोगों के लापरवाहों की तरह 2 महीने हो गए, तुम्हें याद ही नहीं है मैं किराया देना। अरे वैसे देखिए, वैसे एक बात कहूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे? हाँ, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, बस मुझे मेरे पैसे दे दो। देखिए वैसे किराया तो है नहीं मेरे पास, पर और भी बहुत कुछ है देने के लिए, अगर आप चाहे तो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब समझ जाइए ना मेरा क्या मतलब है। मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। मैं यहाँ समझने नहीं आया। पैसों से भी ज्यादा अनमोल कई चीजें होती है। हाँ तो बाजार में जाके बेच दो और मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे तुम्हारी अनमोल चीजें नहीं चाहिए। अरे बाबा, मैं बाजार में बिकाऊ चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। अपनी मतलब? क्या मैं आपको पसंद नहीं? पसंद? इसमें पसंद और नापसंद का सवाल क्या है? क्या कमी है मुझ में? अरे बाबा, मैं तुम्हारी कमियां छाटने नहीं आया हूँ, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। अरे यार, आप इतने नदान भी मत बनो। आप समझिए ना मैं कहना क्या चाहती हूँ आपसे, कि हम दोनों चाहे तो हम दोनों एक हो सकते हैं, तो आप मेरा किराया माफ कर दीजिए और मैं आपकी कई सारी तमन्नाएं पूरी कर सकती हूँ और तन्हाई दूर कर सकती हूँ। सोच लीजिए। आइडिया तो अच्छा है, मरवा तो नहीं दोगे कहीं मुझे? अरे आए ही मेरे पास आप कत्ल होने के लिए हैं, तो कत्ल होकर ही जाइएगा। अच्छा, आप तो शायरी भी करते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं, आपको क्या पता। चलो धीरे धीरे पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, तो आइए ना, देर किस बात की है। मजा तो बहुत आया। आया ना मजा? और अब वैसे जरूरत है आपको किसी किराए की? किराए की जरूरत तो नहीं है, मगर तुम्हें मुझसे रोज मिलना होगा। कोई बात नहीं, वो तो हम मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो, ठीक है, मैं रोज मिला करूंगी आपसे और आप मेरा किराया ऐसे ही हर महीने माफ करते रहना। तुम्हारा जब तक चाहे जी भर के इस घर में हो, या से घर तुम्हारा ही। आप हर महीने मेरा किराया माफ करते रहिएगा, और वैसे अब तो ये घर और आप दोनों मेरे ही हो गए हो।
हाँ हाँ, अब तो हम भी तुम्हारे हैं और ये घर भी तुम्हारा है। तुम्हारा जी चाहे जब तक रहो, मगर एक बात का ख्याल रखना, मेरी बीवी को ये बात का पता नहीं चलना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, ना आपकी बीवी को कुछ पता चलेगा ना मेरे पति को कुछ पता चलेगा। बस तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर हम दोनों, ये जो भी हुआ है ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, ऐसा होगा तो ठीक रहेगा। अच्छा एक काम करिए, आप जल्दी जाइए, मेरे पति के ना आने का वक्त हो गया, उसने देख लिया ना कामा का शक करेगा, वैसे ही बहुत शक की है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय। और आते रहिएगा। बुलाते रहिएगा, हम आते इंतजार रहेगा, हमें भी इंतजार रहेगा। ओके ओके बाय बाय बाय। आ गया मेरे हाथ में हुक्म का एक का। अब मजे से इस घर में रहूंगी भी और किराया भी नहीं दूंगी। अरे आ गए आप, आ गए, बहुत खुश, बैठिए ना। अब क्या हुआ? अरे बैठो तो सही। बैग तो रख दूं? अरे मैं रख दे रही हूँ, आज बहुत खुश हो, बैठिए तो सही। अरे डार्लिंग ऐसा क्या हो गया आज? अरे आज मैं खुशी से फूले नहीं संभाली सच में। अच्छा आपके मायके में कोई अच्छी खबर आई होगी? अरे मायके वायके की बात नहीं है, दरअसल बात ये है ना, आप जो चाहते थे ना वो मैंने कर दिखाया। अच्छा आपने कोई नई साड़ी वाड़ी ली है क्या आज? अरे बाबा साड़ी नहीं ली है। फिर ऐसा क्या हो गया हमारे घर में कि आप इतना खुश हो? वैसे आप यही चाहते थे ना, किराया माफ और मकान मालिक साफ। अरे हाँ बिल्कुल, तो मैंने वही कर दिया है। ऐसा तुमने क्या किया है बताओ ना। आपको पता है ना मैं कितनी शातिर हूँ। अरे वो तो मैं शादी के दिन से ही जानता हूँ। तो ये वीडियो देखो सब समझ आ जाएगा। ये फंस गया अब हमारे जाल में। बाप रे बाप, इतनी अच्छी चीज आपने बना दी। आप समझ रहे हो ना आगे क्या करना है? अरे मैं समझ गया, बस अब इसको फोन करती हूँ और यहाँ बुलाती हूँ। ठीक है लगा फोन लगा। हेलो 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 जानू, आपकी बहुत याद आ रही है। अच्छा अच्छा सुनो ना जानू। बोलो। मेरे पति है ना अभी फिर बाहर चले गए हैं कुछ काम से। तो आप मेरे घर आ जाइए ना। ठीक है मैं आता हूँ। अच्छा आ रहे हैं आप? हाँ ठीक है तो मैं आपका इंतजार करती हूँ। ठीक है ठीक ओके ओके। आ रहा है, बुलाने को बोल दिया। वेरी गुड, लोग जो चाहते थे ना वो हो गया। आज आपने बहुत खुशी दी है, इस खुशी को आज डबल भी कर देना। आज डबल के ट्रिपल कर दूंगी, आने तो दो उसको, के बाद बादशाह भी हमारा और बेगम भी हमारी। अरे सारे पत्ते अपने हाथ में हैं। इक्का तो मैं हूँ ना। हाँ और फिर हम इस घर में राजा रानी की तरह रहेंगे, आने तो इसको। आज इसका ना सारा भूत उतार दूंगी, बहुत अकड़ दिखाता था ना इतने दिनों से। अरे मच्छर है तो मच्छर ही है, हमेशा मुझे पे ताव मारता था, किराया दे किराया दे, तो कहाँ भी नीचे दूंगा उसके। आने दो आज। तो कितनी देर में आएगा? आता ही होगा, वैसे ही दीवाना है, आ जाएगा भागते हुए। अभी शायद वो आ गया। आने दो। अरे दरवाजा खुला है जानू, अंदर आ जाओ। आओ ना अंदर। अरे जानू तुम थोड़ा जल्दी आ गए और मेरे पति भी इसी टाइम पे आ गए। हेलो सर कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अरे जानू घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड को ना सब पता है हमारे बारे में। अच्छा? और मेरे पति ने सब एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा बड़ा होनहार पति है तुम्हारा। पर है ना मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज भी रखा है। सरप्राइज? ऐसे सरप्राइज ना जिसे देख के तुम बहुत सरप्राइज हो जाओगे। मेरे लिए? हाँ देखोगे? जरूर देखना चाहेंगे। फोन में सरप्राइज? अरे देखो तो सही, इस सरप्राइज को देख के तुम हिल जाओगे, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए। ये कब किया तुमने? तो मुझे
ये देने के लिए थोड़ी महंगा मिलेगा ये। ये इसी फोन में नहीं, कई सारे फोन्स में है, समझे? अच्छा, तो ये तुम लोगों की चाल थी है? दोनों की, तुम लोगों की नहीं, दोनों की। हम दोनों की चाल थी, समझे तुम? और हाँ, अगर तुम्हें इन सब चीजों से बचना है ना, तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये सारा घर, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, हम दोनों की। हाँ, अगर तुमने ये प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं की ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का इल्जाम डाल दूंगी। देखो, तुम लोग ये गलत काम कर रहे हो, और तुम्हें इतनी देखो मुझे फंसा दूंगी ना, और ये वीडियो मैं तुम्हारी बीवी को भी दिखाऊंगी। देखो, आप लोग ये ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। बहुत कुछ कर सकती हूँ, समझे? नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ। बहुत कुछ हो जाएगा, ये गलत कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, इसका तुम्हें सजा मिलेगी। वो कागजात निकालना जरा। निकालो एफिडेविट। कैसे कागजात? उसी एफिडेविट में ना तेरी सारी प्रॉपर्टी। हाँ, अपने नाम करने वाला हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं होने दूंगा। ये नहीं होने दोगे तो ये वायरल हो जाएगा, देख रहे हो? तुम लोग ये गलत कर रहे हो मेरे साथ। हम लोग अभी बहुत कुछ कर, मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, मैंने 2 महीने से तुमसे किराया भी नहीं लिया। बराबर साइन करो यहाँ पे। मैं नहीं करूंगा साइन। वायरल करो इसको। अरे अभी वायरल कर रही हूँ, साइन करो। ठीक है, तुम लोग वायरल मत करना, मैं तुम्हारे साइन करता हूँ। साइन करो। देखो, सिर्फ ये एक बटन दबेगा ना, तुम्हारी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साइन, जल्दी साइन करो। देखो, आप लोग ऐसा मत करवाइए मुझसे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो प्यार से साइन कर दो, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। अब भी वायरल कर रही हूं, जल्दी साइन करो। ठीक है, तुम लोग वायरल मत करना, मैं तुम्हारी साइन करता हूं। साइन करो। देखो, सिर्फ ये एक बटन दबेगा ना, तुम्हारी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साइन, जल्दी साइन करो। साइन करो। देखो, आप लोग ऐसा मत करवाइए मुझसे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो प्यार से साइन कर दो, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगी। किस्मत फूटी थी जो मैं तुम्हारे पास किराया लेने आया। चलो चलो, अब मेरी तो किस्मत जग गई थी ना। चलो साइन करो। वाह, अब आया ना मजा। गुड बाय। मुझे बहुत गालियां दी थी पिछली बार। चलो अब निकलो, निकलो, घर हमारा है। गेट आउट, गेट आउट। मैं तुम लोगों को देख लूंगा। अरे क्या देखोगे, दिखा तो हम देंगे दुनिया को। चलो निकलो। बड़ा आया। अब देखा ना, हम लोग जो चाहते थे वो हमें मिल गया। मैं हमेशा ये सोचता था, मेरा तो बस एक ही सपना था, अपना मकान, और वो हो गया। एक बात बोले, मुझे लगता था आपके पास दिमाग नहीं, दिमाग है तुम्हारे पास। ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियों के पास दिमाग भी होता है, ठीक है? सब कुछ होता है। फ्रेंड्स, मैं अलकराज। मैं मोनू कुमार। हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हम लोग आपको यही बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे किरायेदारों से बच के रहिए। yes. जो ऐसे आजकल के जो मकान मालिक होते हैं उन्हें फंसा लेते हैं और प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम करा लेते हैं, और ऐसे मकान मालिकों को भी बहकना नहीं चाहिए। हाँ. अगर वो मकान मालिक ना बहकता और उस तरीके का गलत कदम ना उठाता, तो फिर ये सब नहीं होता, नहीं होता उसके साथ। तो फिर आप लोग ऐसी दुर्घटनाओं से बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। यस, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें।